Recently, we've been through a tremendous crisis. Ella's grandfather had a massive heart attack and had to undergo angioplasty. Two stents were implanted and it was terrible for all of us. Because he was in Kolkata, we were in Bangalore. A lot of things happened, I'll tell you eventually in the video. So right after the music, sharing how post-care was given, what meals were administered, and how he is recovering and reversing on diabetes. Follow me to the kitchen. Hello friends, welcome to Ella's Magic Pan. And as promised, I will tell you how to keep the heart healthy, how to reverse diabetes, how to work on cholesterol, and what kind of meals can be given at home for recovering quickly post-angioplasty, right? On that note, let's see what we can do today. डोसा जो है ये वीगन है, ग्लूटेन फ्री है और न्यूट्रिशियस है. और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट इज सपोज टू बी द बेस्ट एंड हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट अवेलेबल. सो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए. डायबिटिक फ्रेंडली ब्रेकफास्ट है आज आप सबके लिए. आई हैव इंट्रोड्यूस्ड मिलेट्स टू हिज डाइट. मिलेट्स आर सपोज टू बी हाई इन फाइबर्स. इट हेल्प्स रिवर्स कोलेस्ट्रॉल. इट हेल्प्स गिव यू अ फुल plant protein based energy, and it is tremendously helpful for the diet system and the blood sugar levels, right? So morning started with millet dosa. Here in Bangalore we get these packet ready batter for millet dosa. You can also make them in your kitchen. I will share the link below where I have made dosa with rice. You can replace the rice with millets such as nachin, that is foxtail millets, or you can replace it with koda millets. You can also replace it with ragi. So these are the different millets you can use. You can also use barley if you want. तो ढेर सारे millets मिलते हैं इंडिया में जो बहुत healthy है, बहुत delicious होती है. Rice के बदले में अगर आप ये millets use करते हो तो you know results बहुत अच्छी मिलेगी, जल्दी मिलेगी. और शुरुआत करते हैं आज millet dosa के साथ. बनाते हैं बिना तेल के millet dosa, सांबार और चटनी. तो डोसे में मैंने बिल्कुल तेल नहीं डाला. सांबार में बहुत कम तेल डाला, सिर्फ छौंक के लिए, और चटनी में बिल्कुल तेल नहीं. तो दाल मैंने कैसे बनाया, मैंने तूर दाल को एक घंटा सोख करके रखा था थोड़ा सा गुनगुना पानी में. उसका एक सीटी लगा लिया. सीटी ठंडे होते ही मैंने बाकी वेजिटेबल्स डाल के उसका भी एक सीटी लगाया. अब जब प्रेशर कुकर ठंडी हो गई उसमें मैं छौंक डालूंगी. तो ये रहा मेरा राइस राई करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च का छौंक. उसके साथ मैंने थोड़ा प्याज का पीसेस डाल दिए, बहुत कम तेल डाला मैंने. ये रहा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, और इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि इसके कच्चापन चला जाए मसाला का. सांबार मसाला मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ नमक, हल्दी और ज़रा सा जीरा पाउडर, क्योंकि लाइट खाना है, ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे. अब इसमें छौंक लगाने के बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद डालेंगे इमली के पानी जो मैंने सोख करके रखा है गर्म पानी के अंदर, है ना. तो इसको खट्टा खट्टा सांबार सुबह ढेर सारे वेजिटेबल्स के साथ, ये बहुत हेल्दी होती है. ड्रमस्टिक डाला मैंने, थोड़ा सा पम्पकिन डाला और पपीता. सारे वेजिटेबल्स बहुत हेल्दी है और जितना आप वेजिटेबल्स खाओगे हीलिंग के लिए उतना अच्छा रहेगा, उतना फाइब्रस रहेगा आपका डाइट. अब इसमें देखिए मैंने नया वाला पैन लिया. ये पैन मैंने राहुल को गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे, और उसमें मैं ऑयल फ्री डोसा बना रही हूँ, मिलेट डोसा. बिल्कुल इसमें नमक भी नहीं है. सांभर में नमक है, उसी से काम चल जाएगा. और बिल्कुल मैंने तेल नहीं डाला. तो थोड़ा सा बीच में बैटर डाल के उसको फैला देना है, उसको अपने आप कुक होके राइज होने देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है. वो अपने आप जब ऊपर आ जाएगा तो वो क्रिस्पी करारा डोसा बन जाएगा बिना तेल के. ये देखिए अपने आप ही ऊपर आ गया, और ये कितनी क्रिस्पी लग रही है देखने में. शायद कलर ना भी आए लेकिन ये सच में ही क्रिस्पी बना है. और ऐसे करके ही बाकी मैं डोसा बना लूँगी. तीन डोसा दे रही हूँ मैं आज,
एक कटोरी सांबर के साथ और ज़रा सा चटनी। तो ये देखिए जैसे बाकी डोसा मैं बनाते बनाते आपको ये बता दूं कि सांबर के बदले में आप रसम भी यूज़ कर सकते हो और टैमरिंड, और टैमरिंड मतलब आप इमली के खटास अगर नहीं डालना चाहते हो तो आप पता नहीं कोकम का खटास डाल सकते हो शायद, तो मैं हमेशा इमली का ही डालती हूँ। तो ये रहा ब्रेकफास्ट प्लेटर रेडी चटनी और सांबर के साथ। अब ब्रेकफास्ट तो हो गई, चलते हैं लंच की ओर। अब एक कंप्लीट बैलेंस डाइट देने के लिए क्या क्या चाहिए वो हम जल्दी पका के हेल्दीली पका के आपको बताते हैं, क्योंकि ऑयल बहुत कम यूज करना है और ज्यादातर मैं अभी कुकिंग जो है ऑलिव ऑयल में पका रही हूँ। आफ्टर द सेकेंड कंसल्टेशन वी कैन आस्क द डॉक्टर कि कौन सा ऑयल और दे सकते हैं, है ना। सो लेट्स फॉलो फॉर द लंच रेसिपी। लंच टाइम है, कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट देना पड़ेगा। तो ये रहा लंच की थाली, इसमें फिश है, करी है, दही है, एक मिक्स्ड वेजिटेबल है। चलिए देखते हैं कैसे मैंने बनाया। बहुत कम तेल यूज़ करना है इसीलिए मैंने थोड़ा सा सरसों लिया, उसको थोड़ा सा दही डाल के एक पेस्ट बना लूँगी। पहले बना रही हूँ फिश करी, ज़रा सा मैंने तेल डाला, ऑलिव ऑयल है। फिश को मैंने हल्दी और थोड़ा सा नमक के साथ मैरिनेट करके रखा था। अब इनके चलते हम सबको ऐसा ही खाना पड़ रहा है, पर वैसे भी मेरे घर में तेल बहुत कम यूज़ होती है, ये तो आपको पता ही है। तो फिश को मैंने दोनों साइड से फ्राई कर लिया बहुत थोड़ा तेल में, और इसको फिश प्रोटीन जो है ना सबसे अच्छी है, बिकॉज इट डाइजेस्ट क्विकली, इट इज़ लाइट ऑन द स्टमक, और फिश में ओमेगा 3 है विच इज़ वेरी गुड फॉर योर आईसाइट ऑल्सो, राइट, स्किन और आईसाइट के लिए बहुत अच्छी होती है। अब उसी तेल में मैंने थोड़ा सा कलौंजी डाला और थोड़ा सा बैंगन मैं रोस्ट कर रही हूँ अच्छे से। इसको ढक के मैं बैंगन नरम होने तक पकाऊंगी और उसके बाद इसमें वो सरसों वाला पेस्ट डालूंगी। सरसों पेस्ट में मैंने दही डाला, दो काली मिर्च डाली और ज़रा सा नमक, और देखिए बैंगन ऑलमोस्ट रोस्ट हो गया। इसमें मैंने गर्म पानी डाला ताकि बैंगन अच्छे से पक जाए, और पकने के बाद इसमें मैं वो सरसों वाली पेस्ट मिला दिया। इसको अच्छे से कुक करेंगे जब तक बैंगन सॉफ्ट ना हो जाए। ज़रा सा मैंने हल्दी मिलाया और जैसे बैंगन कंप्लीट हो जाएगी उसमें मैं फ़िश भी डाल दूंगी और दोनों को साथ साथ पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं रखेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे ताकि बैंगन फ़िश दोनों अच्छे से कुक हो जाए। हम बंगाली हैं तो हमारे मील में फ़िश होना ज़रूरी है, एटलीस्ट थ्राइस अ वीक अभी दे रहे हैं। वैसे तो हम डेली फ़िश या नॉनवेज कुछ ना कुछ खाते हैं। अब जैसे ये बन जाती है इसके बाद हम बनाएंगे एक वेज आइटम, वो है पटल की कड़ी। तो देखते हैं कैसे बनाया जाता है। पटल को मैंने लंबा लंबा, पहले सारे सब्जी जो है वो आप धो लेना, फिर उसको काट के ज़रा सा तेल में रोस्ट होने के लिए चढ़ा देना। अब कर्ड को रेडी करना है कड़ी के लिए, तो मैंने ये आधा कप कर्ड लिया, उसमें मैंने एक चम्मच बेसन डाला, मैंने नमक डाला, हल्दी डाली और अच्छे से इसको बीट करके ताकि इसमें लंप ना रहे, परवल होने तक, बॉयल होने तक इसको दोनों साइड से रोस्ट करेंगे। देखिए कम तेल में खाना पकाना है तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, स्लो हीट में, स्लो लो फ्लेम में कुक करेंगे और ढक ढक के कुक करेंगे ताकि अच्छे से ये बन जाए। और जैसे ही परवल नरम हो जाएगी उसमें मैं ये कर्ड वाली जो मैंने बनाया है पेस्ट वो मैं डाल दूंगी। दो मैंने हरी मिर्च डाला, क्योंकि तेल और मसाला दोनों बंद है इसीलिए नेचुरल स्पाइस अगर चाहिए तो अदरक डालना चाहिए, या तो आप थोड़ा सा कुटी हुई गोल गोल क्या काली मिर्च डाल दो, या तो आप हरी मिर्च डाल दो ताकि इसकी फ्लेवर और खुशबू अच्छी आए, टेस्ट भी अच्छी आए। देखो बीमार तो है,
अब बीमार को आप बार बार बोलते रहोगे कि आप बीमार हो, तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। इसीलिए उनको जताना बिल्कुल नहीं है कि बीमार है करके, उनको टेस्टी खाना देना चाहिए, हेल्दी खाना देना चाहिए। अब जैसे ही कढ़ी बन गया, उसके ऊपर से मैंने रोस्टेड जीरा और लाल मिर्च का पाउडर ऊपर से छिड़क दिया। ये देखिए अब प्लेटिंग की बारी है। चावल मैंने एक कटोरी डाला, थोड़ा सा क्यूकम्बर डाल दिया, ये हो गया मिक्स्ड वेजिटेबल, ये हो गया दही परवल या तो परवल की कड़ी, और इसमें डालेंगे फिश। अच्छे से इसको प्लेट कर लेंगे और साथ में देंगे दही, एक कटोरी दही। पूरा पूरा इसमें हो गया एक बैलेंस्ड डाइट। जो मिक्स वेजिटेबल है उसमें मैंने मूंग दाल भी डाला है ताकि दाल की प्रोटीन भी इनको मिलते रहे, है ना। तो ये बन गया आज के लंच। अब है स्नैक टाइम। लंच के बाद एक स्नैक टाइम तो जरूर आती है। ये स्नैक टाइम में क्या देना चाहिए, आज मैंने कॉर्न को घर पे सेक के दिया है। इसके बदले में आप थोड़ा सा एक बोल फ्रूट दे सकते हो, जैसे पपाया हो गया, या तो आप गुआवा दे सकते हो, या तो आप रोस्टेड मखाना दे सकते हो। वो भी जल्दी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो मैं मखाना रोस्ट करके रख देती हूँ, उसको थोड़ा सा छोटे कटोरी में आप दे दो शाम के चाय के साथ। और चाय ऑफ कोर्स शुड बी यू नो ग्रीन टी और ब्लैक टी, है ना। रोस्टेड कॉर्न जो है बहुत टेस्टी होती है। सड़कों के किनारे हम देखते हैं सब भुट्टा को सेक के बेचते हैं, वही कॉन्सेप्ट है। वैसे इसकी बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बहुत लोअर कर देता है, कंट्रोल में रखता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसके लिए हेल्प करता है कि आप कॉन्स्टिपेटेड ना रहे। आँखों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी विजन को इम्प्रूव करता है, और विटामिन A5 इसमें भरपूर है। तो इसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। ये ऐसे ही मैंने तेल वेल कुछ भी नहीं लगाया, इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और ऊपर इसका नींबू और नमक लगा के सर्व करूँगी। ये देखिए चारों ओर से अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसको ये देखिए आधा मैंने नींबू रख लिया, थोड़ा सा हिमालयन सॉल्ट मैंने डाला, और ज़रा सा ये सॉल्ट में मैंने नींबू को लगाना है, और इसको अच्छे से भुट्टा या मकई के ऊपर लगा के ये इसमें सर्व करूँगी आज एला के नानू को फॉर हिज स्नैक बाइट। और ऑब्वियसली इसमें लेमन है, तो अभी तुरंत चाय या कॉफ़ी वो नहीं पिएंगे, अभी इससे ही उनका स्नैक हो जाएगा। अब चलते हैं डिनर की ओर। हेल्दी डिलिशियस टेस्टी वाली होम कुक्ड डिनर, रिच इन फाइबर रिच इन प्रोटीन क्या होना चाहिए वो देखिए कैसे हम बनाते हैं, और आप जरूर बनाइए। डिनर टाइम में मैंने ढेर सारा सब्जी रख लिया है और चिकन के चंक्स, ये बोनलेस चिकन मैंने मंगाया है। अब देखिए बड़ा सा पैन में मैं ज़रा सा तेल डालूंगी और ये सारे वेजिटेबल्स मैंने रख लिए और कुछ कैप्सिकम्स, ये है चिकन चंक्स और स्प्रिंग अनियंस। अब ज़रा सा तेल मैंने पैन में डाला और उसमें चिकन मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी। अच्छे से चिकन सौते होते ही इसमें मैं बाकी सारे वेजिटेबल्स, आज की जो वेजिटेबल्स है बहुत ही कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, कैरेट, बीन्स, रेड कैबेज, तीन कलर के बेल पेपर्स मैंने रख लिए हैं। इसमें आप स्वीट पोटैटो भी डाल सकते हो, आलू नहीं देना चाहिए, पर स्वीट पोटैटो जो है इसकी हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारा है। और गार्लिक मैंने डाला, 5-6 कलियाँ गार्लिक के मैंने वो करके थोड़ा सा स्लाइस करके इसमें डाल दिया। अब देखिए कितने कलरफुल, इसमें मैंने क्यूकम्बर भी डाला, तो सारे के सारे वेजिटेबल्स, ये जो वेजिटेबल्स हैं फाइब्रस बना देगी चिकन, इसको ये चिकन डिश को, इसको आप एक बोल आप ऐसे ही दे दो बिना रोटी के, बिना कार्बोहाइड्रेट के, ये अच्छे से बहुत फिलिंग डिनर बन जाएगा, हेल्दी बनेगी। और आप अगर 6:30 बजे तक इनको डिनर दे दो ना, बस दैट इज़ मोर देन इनफ, उसके बाद नहीं खाना चाहिए एक्चुअली। अब देखिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक डाल दिया था और टमाटो के स्लाइसेस तो है ही इसमें। अब सारे कुछ मैं अच्छे से पका लूँगी, ढक ढक के
कम आंच में, और जैसे वेजिटेबल्स मोर देन हाफ डन हो गया है उसमें मैं 3 कलर्स के बेल पेपर्स डाल दिए ताकि ये थोड़ा क्रंची रहे और टेस्टी बने, डिश को अच्छा लगे, डिश देखने में अच्छा लगे। क्योंकि जो हम देखते हैं ना, पहले तो देख के पेट या जीभ में लालच आनी चाहिए, तब जाके आपको लगेगा कि सही मैंने खाना बनाया है। ये देखिए कितनी कलरफुल लग रही है डिश देखने में, ब्रोकली भी है इसमें और ढेर सारे वेजिटेबल्स के साथ। ज़रा सा मैंने डार्क सोया सॉस डाला, नमक तो मैंने बहुत कम डाला था, और इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी, तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा पानी में घोल के मैं मिला रही हूँ। इसको थोड़ा सा ग्रेविश रखेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा सूखा ना लगे, खाने में दिक्कत ना हो, इसीलिए कॉर्नफ्लावर वैसे हेल्दी है, मैदा मत यूज़ करना, कॉर्नफ्लावर ही यूज़ करना। अब देखिए ये बन गए वेजिटेबल्स, बॉयल हो गई है, थोड़ा सा जूसी ग्रेवी भी लग रही है, बहुत टेस्टी लग रही है। अब इसको मैं ऊपर से स्प्रिंग अनियंस से डेकोरेट कर दूंगी और यही हो गया आज के कंप्लीट डिनर, 1 बोल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये एंजियो पोस्ट एंजियोप्लास्टी डाइट प्लान? आपके घर में भी अगर ऐसे केसेस है, अगर स्टेंट इम्प्लांट के बाद घर के मेंबर्स सफर कर रहे हैं, तो उनको क्या कैसा खाना देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। आज एक कंप्लीट फुल मील मैंने आपके साथ शेयर किया, ये आप ट्राई जरूर करना। होम कुक्ड मील है, हेल्दी मील है, एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू रिकवर क्विकली एंड स्मूथली, राइट? ऑन दैट नोट, बिफोर आई गो, लेट मी रिक्वेस्ट यू टू press the bell icon to stay connected with us. Do subscribe to the channel because it is free. And happy cooking, darlos. Bye for today.